नमस्कार, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदा सैफी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से बंद किया गया था हाईवे। मलबा हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया है और बर्फबारी की वजह से इस तरह के हादसात पेश आते हैं। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को बंद किया गया था। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। बता दें कि ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को बंद किया गया था, लेकिन वहीं देखा जाए तो हाईवे को बहाल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से बंद किया गया था हाईवे। मलबा हटाने में मजीद मशीनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू श्रीनगर हाईवे को बहाल कर दिया गया है। मलबा गिरने की वजह से ट्रैफिक को बंद किया गया था। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को बंद किया गया था, लेकिन अब हाईवे को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ लोगों को राहत भी मिली है। मजीद मशीनों की वजह से इस्तेमाल मलबा हटाने के लिए मजीद मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए खुर्शीद अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे कि मलबा हटाने को लेकर ट्रैफिक को अब बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, पिछले दो दिनों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो शेर बीबी के मुकाम पे जो रामन बनिहाल का एरिया है, शेर बीबी जहां पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था, तो काफी मशक्कत के बाद जो है उसको बहाल कर दिया गया था। लेकिन आज बर्फबारी कल रात से ही हो रही है, तो उसी पॉइंट पर जो है आज फिर से एक बार बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई। 11:45 पे ये लैंडस्लाइड हुई। तो आनंद फान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, या वहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही है, सीगल इंडिया कंपनी काम कर रही है, ऑलरेडी वहाँ पे मशीनरी रखी गई थी। तो दो घंटे के अंदर अंदर ही जो है इंतजामिया ने जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। और जो सीगल इंडिया है वहां उनको हिदायत दी गई, पहले से ही हिदायत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि जब बर्फबारी, मैं आपको बता दूं, जब बर्फबारी होती है तो बाहर से अलग अलग रियासतों से जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो है सयाह वो अपना रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो पहले ही जो है उन्हें हिदायत दी गई थी कि अगर नेशनल हाईवे पे ऐसा कुछ होता है, लैंडस्लाइड होती है या पत्थर आते हैं, तो वहाँ हर पॉइंट पे जो है वहाँ पे मशीनरी रखी गई। जो ही लैंडस्लाइड आई और दो घंटे के अंदर अंदर ही जो है इंतजामिया ने इस रोड को बहाल कर दिया, और इस वक्त जो है फिर जो है गाड़ियों के लिए जो वहाँ पे गाड़ियां फंसी थी उनको निकाला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल इस वक्त भी जो है बर्फबारी बहुत हो रही है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो ट्रैफिक इंतजामिया है, उन्होंने अपने जो कंट्रोल रूम के नंबर जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनका, उसके जरिए जो शेयर किया है कि ताकि जो सयाह है या मुसाफिर है इस रोड पे सफर करने वाले, उन्हें सबसे पहले हिदायत दी गई कि मेहरबानी करके आप जब सफर करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, तो इन जो फोन नंबर दिए गए हैं इन पे रब्ता करें। जम्मू कंट्रोल रूम रामन उधमपुर और श्रीनगर का कंट्रोल रूम है, इस पहले अपडेट ले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के, उसके बाद जो है इस रोड पे सफर करें। जी जी बिल्कुल, आखुशी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाईवे को बंद किया गया था, ऐसे में लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? आने जाने वाले लोगों को किस तरह की परेशानी इस दौरान देखने को मिली? देखिए, जब जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होता है तो परेशानी, जितने भी इस पे सफर करते हैं मुसाफिर, उन्हें परेशानी होती है, या जिसको जम्मू जाना होता है, जम्मू से कश्मीर आना होता है, तो जाहिर सी बात है जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होता है तो काफी सारे लोग हजारों की तादाद में इस पे गाड़ियां चलती है, क्योंकि वाहिद एक रूट है जो कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ता है, और मुगल रोड है। लेकिन मुगल रोड ऑलरेडी वहां बंद है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। मुगल रोड को अभी मुझे लगता है कि मार्च तक खोलना नामुमकिन है, क्योंकि बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है। तो रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बंद होता है, तो इस पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो इंतजामिया है वो पहले ही एडवाइजरी करता है कि जब आप इस पे सफर करेंगे, पहले कंट्रोल रूम जितने भी नंबर दिए गए उन पे रब्ता करो, और उसके बाद इस पे सफर करो। फिलहाल रोड को थ्रो तो कर दिया गया है,
वहां पे 2 घंटे के अंदर अंदर ही, लेकिन बर्फबारी इस वक्त फिर से शदीद हो रही है। हो सकता है कि जब बर्फबारी ज्यादा हो तो फिसलन हो जाएगी, रोड पे फिसलन होती है, जो बनिहाल गाजीगुंड जो टनल है वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी की वजह से फिर शायद लगता है कि जिस वक्त इस समय जो बर्फबारी हो रही है तो लगता है कि आने वाले जो कुछ मिनटों में या घंटों में फिर से ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल खुशी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।